Hello guys, this is Apoorva Kaushal and I'm back with one of my new videos. So guys, today we are going to make my husband's favorite street food and that is dabeli. So आज हम दबेली बनाएंगे जिसमें जो इंग्रीडियंट्स हमने डाले हैं वो ईजिली हमको घर पे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाया. इसमें जो दबेली मसाला है उसमें हमें सूखा धनिया, सौंफ, जीरा, कोकोनट बुरादा, तेजपत्ता, लौंग और सूखा अदरक भून के पीसा है. सो अब हम उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे. ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं. उसके बाद हम इसमें हमारे मैश्ड पोटैटोज़ डालेंगे जो कि हमने बॉयल कर दिए थे और उसके बाद हमने मैश करे हैं. तो हमने ये पोटैटोज़ इसमें डाल दिए हैं. इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जो दाबेली मसाला हमने पीसा था वो इसमें 3 बड़े चम्मच मिक्स कर देंगे. उसके बाद सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, और आप चाहें तो लाल मिर्च इसमें डाल सकते हैं क्योंकि हम तीखा नहीं खाते. मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है. इसके बाद हम इसमें डालेंगे इमली की चटनी. क्योंकि हमारी दाबेली खट्टी मीठी बनती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है. इमली की चटनी हमने 2 बड़े चम्मच डालनी है इसमें. और उसके बाद ये थोड़ा सूखा सूखा होने लगता है तो हमको थोड़ा सा ड्राई नहीं चाहिए ये पोटैटोस. हमने हल्का सा पानी मिलाया है और ये अब हमारा हो गया है. हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं. अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं कोकोनट बुरादा से, अनियन से. अगर आप अनियन नहीं खाते हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं. अब और हम इसमें डालेंगे जो भी हमने स्टार्टिंग में मटेरियल आपको शो किया था, आलू भुजिया, जिसकी जगह आप सेव भुजिया भी ले सकते हैं, मसाला पीनट्स जो कि हमने पैकेट वाले लिए हैं और आप चाहें तो उनको भी घर पर बना सकते हैं. दबेली इज़ अ स्ट्रीट फूड जो कि हमारे टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है. तो इसके लिए आप इसमें ये मत देखिए कि ये हेल्दी है कि नहीं. तो अब हम इस पोमेग्रेनेट मिक्स करेंगे जिसकी वजह से ये काफ़ी कलरफुल लगेगा और बहुत ही टेस्टी. सो अब हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर भी मिक्स कर देते हैं. अब हमारे पास ये जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हमने हटाना नहीं है. अब हमको इनकी फिर से ज़रूरत पड़ेगी. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं. दबेली बन आते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं थे तो मैंने ये नॉर्मल बन यूज़ किए जिनको मैंने बीच से हाफ कट किया है. ध्यान से देखिए, हाफ कट करेंगे आगे से, कट हो पीछे से जुड़ा रहे. आगे से ही कट होना चाहिए, पूरा का पूरा बन हम इसको कट नहीं करेंगे. अब हम इसमें दोनों साइड में लगाने वाले हैं शेजवान चटनी. इसमें हम हरी चटनी का या चिली सॉस का यूज़ नहीं करते हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हमने इसमें यूज़ करी है शेजवान चटनी जो कि हम दोनों साइड में स्प्रेड करेंगे. अब हम इसमें लगाएंगे इमली सॉस. इमली सॉस हम सिर्फ एक तरफ को लगाएंगे, दोनों तरफ को नहीं लगाएंगे. सिर्फ एक तरफ को मैंने लगा दिया है इमली सॉस. मेरा बन जो है टूट गया है लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि बन टूटे नहीं. अब जो हमारा आलू मसाला था हम उसको लगाएंगे एक तरफ में. उसको हम ऊपर से डेकोरेट करेंगे हमारे बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स थे उनसे, अनियन स्लाइसेस, पोमेग्रेनेट, आलू भुजिया या फिर भुजिया से हो जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, पीनट्स मसाला या फिर आपके होममेड पीनट्स, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो हम उससे डेकोरेट करेंगे. उसके बाद हमने इसमें डाला है हरा भरिया धनिया जो टोटली हमारे ये काफ़ी चटपटा बन चुका है. अब हम अच्छे से पैन पे बटर लगाएंगे. बटर काफ़ी खुले अमाउंट पे लगाइए, कंजूसी नहीं, और दोनों तरफ से हम इसको सेक लेंगे. हमारा ये दाबेली रेडी है, यम्मी एंड टेस्टी स्ट्रीट फूड. इसको प्लीज़ ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. कीप लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग.